Hello students, in this video we will see certain operations on sets. Operation on sets means when there is an interaction between two sets. As you know that the addition, subtraction, division, multiplication, all these are operations of mathematics or arithmetic. In the same way, we have certain operations on sets. So the first operation is union of two sets. Union of two sets means for two sets A and B, the union of A and B is the set of all those elements which belong to set A or set B or to both A and B. तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब ऑपरेशन आप सेट्स करेंगे तो ऑपरेशन करने के बाद हमेशा कोई ना कोई सेट ही मिलेगा. तो दो सेट अगर आपको दे दिए गए ए और बी तो इन सेट का यूनियन क्या होगा? वह एक ऐसा सेट होगा जिस सेट में या तो ए के एलिमेंट हैं या तो बी के सारे एलिमेंट हैं या दोनों के ही सारे एलिमेंट हैं. ठीक है, इसको हम लोग कुछ एग्जांपल से समझ सकते हैं. जैसे मान लीजिए ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सेट बी इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7. तो ए यूनियन बी क्या होगा? देखिए इसको पढ़ते हैं. ए यूनियन बी, ये जो लिखा है ये क्या लिखा हुआ है? ए यूनियन बी. ए यूनियन बी क्या होगा? आपको एक ऐसा सेट लिखना है जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट हों और बी के भी सारे एलिमेंट हों. ठीक है, तो वन रिपीटिशन आप एलिमेंट अलाउ नहीं है, तो यहां वन यहां भी वन, तो वन आपने लिख लिया. फिर यहां टू नहीं है तो यहां टू है तो इंक्लूड करना होगा. बिलोंग टू ए तो बिलोंग टू ए में टू आ गया. फिर थ्री यहां भी है यहां भी है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां थ्री. अब इसके सारे एलिमेंट आ गए. अब बी का देखिए, बी का केवल 1, 3 आया है, 5 और 7. ए हो गया ए यूनियन बी. इस सेट में ए या तो ए के सारे एलिमेंट हैं या बी के सारे एलिमेंट हैं या ए और बी दोनों के सारे एलिमेंट हैं. ठीक है, ए यूनियन बी हो गया. अब अगर मान लीजिए इस तरह का सेट लिखा हुआ है, A is equal to X such that X is equal to 2n plus 1 where n is integers और B आपका है all X, set B is the set of all X such that X is equal to 2n where n belongs to integers. तो अब आपको a union b लिखना है. ये पूछा जा रहा है क्या होगा a union b. अब आपको a union b ऐसा सेट होगा जिसमें a के भी एलिमेंट हो और b के भी सारे एलिमेंट को कंबाइन करके लिख दीजिए.
देखिए 2n प्लस 1 से यह हमें पता चल रहा है कि यह ऑड इंटीजर को बता रहा है और एक 2n का मतलब यह इवन इंटीजर बता रहा है। तो a कैसा है, a इज द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर एंड b इज द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो ऑड इंटीजर और इवन इंटीजर को आप कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, कोई ना कोई इंटीजर मिलेगा। तो इसको लिख सकते हैं a इज द सेट ऑफ ऑल x, x इज एन ऑड इंटीजर यूनियन, आपको बताना है b इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एंड इवन इंटीजर। तो a यूनियन b क्या हो जाएगा, ऑड और इवन इंटीजर यानी सारे इंटीजर आ गए, क्योंकि इंटीजर या तो इवन होंगे या ऑड होंगे। यहां पॉजिटिव निगेटिव की बात नहीं हो रही है, निगेटिव होगा तब भी ऑड हो जाएगा और निगेटिव होगा इस फॉर्मूला से तब भी इवन हो जाएगा। ठीक है, तो a यूनियन b क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज एन इंटीजर। तो यानी इंटीजर का ही सेट होगा, a यूनियन b क्या हो गया, इंटीजर हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं z। तो जो आपसे आंसर पूछा गया कि a यूनियन b क्या होगा, इसका आंसर z। क्यों इंटीजर होगा वो यहां आपको सॉल्व करके बताया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब a यूनियन b की क्या डिफिनेशन हो गई, a यूनियन b इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। जब आप ये बोल रहे हैं x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, दिस मीन्स दैट दिस फैक्ट इज इंक्लूडेड दैट x बिलोंग्स टू बोथ a एंड b। ये हो गया। अब यह आपका पहला ऑपरेशन था यूनियन, यानी दो सेट कंबाइन हो गए यहां पे। सेकेंड ऑपरेशन है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। लेकिन इंटर इससे पहले हम जरा कुछ स्टेटमेंट या कुछ रिजल्ट देख लेते हैं यूनियन से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए पहला है कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट इफ x बिलोंग्स टू a यूनियन b, इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, इसका मतलब ये हुआ। दूसरा कंक्लूजन यह कह सकते हैं कि x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b इफ एंड ओनली इफ। अब a यूनियन b से x नहीं बिलोंग करता है, इसका मतलब इतना हो गया कि x a से भी बिलोंग नहीं कर रहा है और b से भी बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसी को लिख देंगे x डज नॉट बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, ये इसका मतलब हुआ। अब देखिए इफ a इज सबसेट ऑफ b इंप्लाइज दैट a यूनियन b क्या होगा, सोचिए आप। इफ b इज सबसेट ऑफ a इंप्लाइज दैट a यूनियन b क्या होगा, a यूनियन b का मतलब a के सारे एलिमेंट b में हैं, a पूरा का पूरा b में है। तो जब कंबाइंड करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, केवल b और b के सारे एलिमेंट a में हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, a यूनियन b हो जाएगा केवल a, क्योंकि आप जब a करेंगे तो उसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया a यूनियन b इज इक्वल टू a इफ b इज सबसेट ऑफ a।
अब देखिए कुछ कंक्लूजन, वन टू थ्री, ठीक है। तो ये आपका इतना कंक्लूजन हो गया। इसके बाद सेकेंड ऑपरेशन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का मतलब कि यू हैव टू राइट डाउन अ सेट सच दैट द एलिमेंट बिलोंगिंग टू दिस इंटरसेक्शन सेट आर कॉमन इन बोथ द गिवन सेट। क्या मतलब हुआ इसके कहने का? इसका मतलब यह हो गया, फॉर टू सेट्स ए एंड बी द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड B is the set of all elements which belong to both A and B. विच बिलोंग बोथ ए एंड बी, इसमें कॉमन एलिमेंट होंगे ए के भी और बी के भी, ठीक है। इसमें यहां देखिए और था, ए और बी था, लेकिन इसमें कॉमन आ गए बोथ ए एंड बी। इसका मतलब ये हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू A and X belongs to B. X A से भी belong कर रहा है और X B से भी belong कर रहा है, इसका मतलब हुआ। इसको लिखते ये पढ़ा जाएगा A intersection B, ठीक। अब यहां पर देखिए इसमें कुछ इसका है कंक्लूजन, X belongs to A intersection B, मान लीजिए X belongs to A intersection B। इसका मतलब हो गया कि यह तभी होगा जब X belongs to A and X belongs to B दोनों से। अब देखिए सेकेंड स्टेटमेंट या सेकेंड कंक्लूजन इंटरसेक्शन का, A intersection B ऑलवेज सेट ए का सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ए और बी के कॉमन एलिमेंट हैं। हो सकता है कि ए में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो जो कॉमन ना हो, लेकिन एक एक वाले सारे एलिमेंट तो इसमें आ गए, जो एक ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट तो ए में होंगे ही। दूसरा, ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि इसमें B के वे एलिमेंट होंगे जो A में भी हैं, ठीक है। यानी B के कुछ एलिमेंट होंगे, या हो सकता है पूरे ही एलिमेंट हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कुछ तो जरूर होंगे। तो कुछ एलिमेंट वाला सेट B के पूरे एलिमेंट वाले सेट का सबसेट होगा कि नहीं, तो यहां पे एक कंक्लूजन है। दूसरी चीज है थर्ड स्टेटमेंट देखिए, अगर मान लीजिए A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यानी A के सारे एलिमेंट B में हैं, तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? A के सारे एलिमेंट B में हैं, तो कॉमन क्या होगा A और B का? केवल A होगा, ठीक है। इसी तरह से एंड इफ B is intersection of A implies that B is intersection of A implies that A intersection B क्या होगा? B के सारे एलिमेंट A में हैं, तो इसका मतलब कॉमन एलिमेंट क्या हो गए? B हो जाएगा,
बी कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। अब इसको इसमें एग्जांपल लेकर के देख सकते हैं, यही वाला केस, फर्स्ट वाला, ए और बी है तो ए इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बताइए यहां से क्या होगी, कॉमन एलिमेंट देखिए 1 3 ए में भी है, 1 3 बी में भी है, तो यहां से अगर ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा यहां से, इसे मार्क कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, यह हो जाएगा आपका कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन है 1 और 3, 1 और 3, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी में यहां से। अच्छा, इसका जरा सा एक थोड़ा सा स्पेशल एग्जांपल देखिए, ए इंटरसेक्शन बी का, जो आर डी शर्मा सर की बुक में है, ये एग्जांपल समझाया गया है कि ए इज इक्वल टू, मान लीजिए कि ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 4n, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो आपसे बोला जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये बताना है आपको। अब आप सोचिए, 3n कहते ही आपको ये समझ में आ गया कि सेट ए जो है वह ऐसे इंटीजर का सेट है जो 3 के मल्टीपल है, और x इज इक्वल टू 4n कहते ही आपको यह समझ में आ गया कि सेट बी ऐसे एलिमेंट का, ऐसे इंटीजर का सेट है जो 4 के मल्टीपल है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन ऐसे इंटीजर होंगे जिसमें जो 3 का भी मल्टीपल हो और 4 का भी मल्टीपल हो, तो ऐसे इंटीजर क्या होंगे, यानी ऐसे इंटीजर 12 के मल्टीपल होंगे, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, सॉल्व करने का तरीका क्या है, a इज इक्वल टू यहां पे a इज इक्वल टू 3, और b क्या हो जाएगा, x इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो इंटरसेक्शन में कॉमन करना है, तो इसका मतलब आपको यह चाहिए कि अगर इफ x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b हमने मान लिया, तो x को क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, x को सेटिस्फाई करना चाहिए अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3n एंड x इज इक्वल टू 4n, ठीक है, फॉर n बिलोंग्स टू जेड, इंप्लाइज दैट आर इफ एंड ओनली इफ x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड x इज अ मल्टीपल ऑफ 4, एंड आ गया तो 3 एंड 4 बोथ, तो इसको जब कंबाइंड करेंगे तो हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ x इज अ मल्टीपल, x इज अ मल्टीपल ऑफ 12, x इज अ मल्टीपल ऑफ 12, तो इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 12n, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, इसको लिखने का तरीका ये है। तो अब इसको सेट नोटेशन में क्या लिखा जाएगा, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू
एक्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 12n वेयर n बिलोंग्स टू जेड इंटीजर, ये आ जाएगा आंसर, यह हो जाएगा, ठीक है। अब अगले वीडियो में, अच्छा एक चीज और यहीं पे मैं बता देता हूं, अगले वीडियो में दूसरी चीज बताऊंगा। अगर मान लीजिए जैसे सपोज करिए एक एग्जांपल a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 4 5 6 तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा, a इंटरसेक्शन b हो जाएगा कॉमन एलिमेंट आपको रखना है जो a से भी बिलोंग करे b से भी करे, तो यहां कोई नहीं कॉमन है, तो इसका मतलब कि ए नल या एम्प्टी सेट होगा, कोई एलिमेंट नहीं होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे या ऐसे। तो जब ऐसी सिचुएशन मिल जाए कि कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, तब हम बोलेंगे कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स। यह याद रखिए, डिसजॉइंट सेट तब होंगे जब इंटरसेक्शन फाई हो या इंटरसेक्शन नल सेट हो, एम्प्टी सेट हो, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, और डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट यह हम अगले वीडियो में बताएंगे।